अरे भाई राम राम, एक बार फिर स्वागत है आपका दसोनोवाली में, गुवाणा तहसील में। हाँ भाई, जो बरोदा उपचुनाव है उसको लेकर ना नामांकन भरे जान लग रहे हैं, और जो कांग्रेस से टिकट मिली है वो इंदुराज नरवाल को मिली है। और बात करांगे पाछे जो INLD से मिली है जोगेंद्र मलिक को, और भाजपा से मिली है योगेश्वर दत्त को। राम राम ताऊ, राम राम जी ताऊ, राम राम भाई, राम राम। तो मैं बताना चाहूँगा, जो कांग्रेस से उम्मीदवार हैं इंदुराज नरवाल जी, उनके पिताजी हैं ये। राम राम ताऊ, पहले तो एक बार और ले ले, हमारे दर्शक ने भी राम राम कर दिया। राम राम भाई, राम राम। तो आज कितना खुशी हुई है आपके पुत्र को टिकट मिली है? मेरे तो ज्यादातर ज्यादा खुशी है। आप उसके पिताजी हो है। तो आपने मन में कभी सोचा? मन में जितनी मैं खुश हूँ ना, मेरे तो फलतू हल्का गणा खुश हो रहा है। अच्छा अच्छा हाँ। तो ये बात इसी है, क्योंकि जो आप गठबंधन सरकार है BJP की और JJP की, देवीलाल ते तो आप खूब परिचित हो, क्योंकि आप अच्छी उम्र खा रहे हो तो पता है। तो देवीलाल का नाम पर जो वोट ले, तो आपने के लाग गया है या गठबंधन की सरकार कुकर है? देखो, पहली बात तो यह, आजकल आदमी इतना बावड़ा नहीं रह रहा कि एक मानस सारा काम ना लिया करता, पहली बात। दूसरी बात, समझदार हो रहे हैं तो देवीलाल का नाम पर सारे समझ रहे हैं कि भैया तो उसका नाम नहीं बेच रहे हैं, और ना ये किसान के, ना ये मजदूर के, ना और ये तो अपने अपने ड्रम में कदे और के में हो जा, कोई मुकदमा ना बन जा, कोई और ना बन जा, कोई बात इसी किस्म की आ जा, कोई सौ बात वो हैं कि भाई BJP में डरते बैठे हैं। अच्छा अच्छा यानी कि आप कहना चाहो कि इनका डर बिठा रहा है ना, इनका डर है भाई, इस किस्म की नहीं भाई। देखो वो जो लीगली बात हो ना, उस ढंग से चलो तो ताऊ बात नहीं है। इब ये कह रहे हैं कि विकास सरकार में रहेगा उसका है, विपक्ष में नहीं हो सकता, तो कांग्रेस विकास कुकर करवाएगी। एक बात बताऊं आपने, वो मान लिया, वो जो पार्टी की नीयत हो ना जिसकी, वो विकास कराया करे। BJP पार्टी तो ऐसी है कि 8-10 इनके अमीर जो है ऊपर के, और या इनके कैबिनेट मिनिस्टर और या उनके रिश्तेदार वगैरह, ये जी जाओ और बाकी बाढ़ में जाओ, क्यों जाओ। हाँ, इन किसे तो गरज नहीं है, ये तो एक दिन किसान ने मजदूर बना देंगे, और मजदूर तो रहे वहीं नहीं गए, मजदूर तो मजदूर भी नहीं रहेंगे, वो तो भूखे नंगे होकर भूखे चिशाए मर लेंगे। फिर मरना किसान ने भी है, क्यों इन कानून इस किस्म का बना दिया ना, तो उनसे गारंटी ली भाई जरूर बिकेगी फसल, टाइम काट दिया उन पर, म्याद दर दी भाई तहसीलदार रिपोर्ट करेगा, उतनी बेच सकोगे, बाकी ये दाना दौड़ी मंगाने की तान देंगे। सही बात। अरे एक तरफ कह रहे हैं हम तो आए दुगनी कराए किसान ना की, ये तो इन तो बड़ी झूठी सरकार नहीं आवेगी ना, आई है इतना झूठा प्राइम मिनिस्टर, इतना समझो गरीब मजदूर का दुश्मन और सरकार नहीं आई है इस किस्म की। तो आपने मैंने उड़ान प्रांत बात भी आवे हैं, हल्का मतलब निकल कर भी आई है बात, तो कांग्रेस पार्टी का के कुछ रुझान ला गया है आपने देखे? कांग्रेस पार्टी तो बाई इलेक्शन में इतना रिकॉर्ड बना देगी, आज तक कोई बाई इलेक्शन इतने वोटा जीता नहीं होगा, इतना बड़ा रिकॉर्ड बन जाएगा। अब कपूर नरवाल ने टिकट मिलने की कह रहे थे शुरू में, लेकिन अब उनका तो जब क्यों, ये तो सुपुरांगा वाला है, वो तो हमारा भतीजा है, वो तो ठीक है नहीं, लेकिन अब वो निर्दलीय लड़ेंगे, तो इसका प्रभाव कुछ अपने वोटों पर नहीं पड़े? उसको मना लेंगे, वो 19 तारीख नाम भी उठ रहा हो जाएगा, जो कुछ भी जो भी तरीका है वो हो जाएगा उसके साथ, तो वो हमारा भाई है, भतीजा है, सारी बातें, और वो कुछ होगा, ठीक होगा वो, क्योंकि देखा तो इस उसमें वोटों पर असर पड़ेगा जी। मैं तो याद करना नहीं चाहूंगा कि वो इलेक्शन नहीं लड़ेगा, ठीक बात है ना, बाकी बलराज कुंडू के साथ नामांकन के लिए, बाकी बलराज कुंडू के साथ में नामांकन दाखिल करके हमारे काम से हम उसने मना लेंगे। धन्यवाद राम राम जी। तो आप क्या कहना चाहोगे जो हम मुल्क का सरकार, एक तरफी चीज है टिकट बढ़ी, एक और करता टिकट दे दी, तो कह रहे हैं पहलवान सबका चाहता है तो ये निकलेगा, पहलवान ठीक है पार्टी ठीक हो जाए, यानी कि पहलवान में कोई कमी नहीं है, पार्टी में रोड़ा है, पार्टी ठीक हो जाए, यानी कि पहलवान का नाम पर जीत लेने की कोशिश कर रहे हैं फिर ये पहलवान का नाम पर जीतने की कोशिश कर रहे हैं, पार्टी गलत है, पार्टी झूठी है मेरी।
क्योंकि कांग्रेस ने पहलवान भी नहीं है। अच्छा, मुडला घर है पलेर, वो अड़क लागे खेने अगले मारा भी कुछ मतलब वो करो, पले आप भी पलेर हो, गोल्ड में वो ले रहे हो। तो उसने कहा कि हमारे जो मेरी खुद की एकेडमी है, मैं उनका कुछ नहीं कर सकता। मुडलाना गाँव में सर्वे के लिए जा रहे थे, वो लड़का मारे को मिला था, उसके छह सात साल से वो प्रैक्टिस कर रहा था। वो लड़का वो कह रहा था शायद मनजीत था, मनदीप कुछ था, कुछ ऐसा सा नाम जो भी था, तो वो कह रहे थे मिला था। ये साफ नाटक है, एक तरफ कह रहे हैं कि प्लेयरों को तो बहुत ज्यादा सुविधा दे रहे हैं। सीधा पादर आदमी है, किसान का बेटा है, और बहुत शरीफ है दिखने लग रहे हैं, क्योंकि आप देख सको भाई इतना सिंपल बंदा। भाई भतीजावाद ओडा साहब ने भाई भतीजावाद खत्म कर दिया, तो भाई ये जो इंदुराज नरवाल के पिताजी थे, इनका कहना है कि भाई जो कपूर नरवाल है इनके परिवार से ही है, भाई है इनके, तो उसको मना लेंगे और ऐसा कोई कदम नहीं उठावाएंगे, इनको उसमें तकलीफ आवे। और जो जीत की बात है वो तो समीकरण पता नहीं क्या बनेंगे, कौन जीतेगा कौन हारेगा वो तो बाद की बात आप ना पता चले जाओगा, लेकिन जो आपके विचार हैं वो नीचे कमेंट बॉक्स में दे दिए। मिला नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सारे भाइयों ने जय हिंद, वंदे मातरम।